मतलब लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप जारी है। पांचवें चरण में जहां एक ओर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरने की का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सिद्धू ने पीएम मोदी पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया, साथ ही गंगा सफाई को लेकर भी सिद्धू ने कहा कि पीएम ने जनता के साथ भद्दा मजाक किया है। राम तेरी गंगा। मोदी जी, आपकी जो आप गंगा क्लीनिंग वाली बात करते थे, वाराणसी में 84 times the bacillus bacteria has increased, it is the worst in वाराणसी। नमामि गंगे 20,000 crore का फ्लैगशिप प्रोग्राम, 2015 में क्लीन गंगा शुरू हुआ और यह कहा गया, उमा जी ने कहा कि 2019 में खत्म, फिर उनको उतारा गया और गडकरी साहब ने कहा 2019 में खत्म, 80% वर्क विल बी डन। ये कहनी और कथनी आप देखिएगा, 20,000 crore के फ्लैगशिप प्रोग्राम से सिर्फ 6,000 crore रुपया खर्च हुआ। उससे जो सीवेज नेटवर्क ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने थे वो 10%, मात्र 10% भी नहीं बना। कि जिस रफ्तार से मोदी साहब आप चल रहे हो दर्शनी घोड़े की, 200 साल लगेंगे गंगा को साफ करने के लिए।